आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। क्या किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग असल में किसान नहीं बल्कि धमकी गैंग के मेंबर हैं? ये सवाल उठ रहे हैं उस वीडियो के बाद जिसमें एक शख्स बीजेपी के नेता को मारने की धमकी दे रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। किसान आंदोलन की आड़ में कैसे राजधानी को उपद्रवियों ने शर्मसार किया, ये तो आपको याद ही होगा। अब एक वीडियो ने इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, फिर सड़कों पर सरेआम दंगे किए, अब भाजपा के विधायकों पर भी इन लोगों का गुस्सा देखने को मिलने लगा है। दरअसल अब पंजाब के प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता हरजीत सिंह गरेवाल को खुली धमकी दी है। बता दें कि इससे पहले प्रदर्शनकारी बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर भी हमला कर चुके हैं। हरजीत को प्रदर्शनकारियों ने मलोट में ना घुसने की धमकी दी है। इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी नेता पर हमला करने की खुली धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि एक प्रदर्शनकारी कहते हुए सुना जाता है कि 307 की FIR दर्ज करके रख लो, जिस दिन हरजीत सिंह गरेवाल मलोट में आ गया उसका वो हाल करेंगे तो उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। विधायक पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि जब अरुण नारंग के साथ मॉब लिंचिंग हुई तो मानवाधिकार कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं, उनकी दो दो परिभाषा कैसे हो जाती है। जब गुनहगारों को पकड़ो तो वो आवाज उठाते हैं, लेकिन अब हम सीधे सीधे नेताओं पर सरेआम हमले हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है तो ये चुप हैं। ये कैसे इन हमलों का सरेआम कपड़े फाड़ने का महिमा मंडल करते हैं। बता दें कि पंजाब के फाजिलका जिले के अबोर से बीजेपी विधायक नारंग की पिटाई की गई और शनिवार को मुक्सर जिले के मलोट में किसान प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके कपड़े फाड़ दिए। आपको बता दें कि भाजपा विधायक पर हुए हमले पर कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना का पूरा आरोप पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार पर लगाया। कैप्टन अमरिंदर की निंदा करते हुए खट्टर ने कहा कि पंजाब के अबोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण नारंग के साथ मलोट में जानलेवा और अभद्र घटना की मैं निंदा करता हूं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना पंजाब में कानून व्यवस्था और कांग्रेस सरकार की विफलता का प्रतीक है। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी उस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात करने का हक है, लेकिन दूसरों को भी अपनी बात कहने का हक है। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने विधायक अरुण नारंग पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई है, ये घटिया राजनीति है और कोई भी इंसान या विपक्ष इसकी निंदा किए बिना नहीं रहेगा। इस बीच बीजेपी ने रोहतक में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और ऐलान किया कि चाहे कितनी भी धमकी मिले और कितना भी कोई जुल्म करे, ये लड़ाई हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। मार्च को जब किसानों के भारत बंद का प्लान फेल साबित हुआ और जैसे ही फर्जी किसानों को लगने लगा कि उनका वजूद खत्म होता जा रहा है, वैसे ही इन लोगों ने सुर्खियों में रहने का नया तरीका ढूंढ लिया। हिंसा, गुंडागर्दी, उपद्रव और मारपीट के इस खेल में वो राजनीतिक दल भी शामिल हो गए, जनता ने जिन्हें नकार रखा है। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।